अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम ये दामन का खूबसूरत सा डिज़ाइन बनाएंगे। तो ये कैसे बनेगा, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारी स्लीव्स हैं, स्लीव्स पे हम ये डिज़ाइन बनाना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी चौड़ाई नाप लेते हैं। ये 18 इंच बन रही है और 2 इंच चौड़ी और 18 इंच लंबी पट्टी हमने कट कर लेनी है। जी फ्रेंड, ये तकरीबन 1.5 इंच चौड़ी और 18 इंच लंबी हमने पट्टी कट कर ली है। अब हमने इसका डिज़ाइन जो है वो सेंटर से बनाना शुरू करना है। यहाँ किनारे से शुरू करने से ख़राब हो जाएगा, तो सेंटर से बनाना शुरू करेंगे। हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। ये देखें, सेंटर से रखी है ना मैंने, ये हमारा एक सर्कल जो है वो सेंटर में आ गया है। तो ये दोनों तरफ से पूरी पूरी है। चेपी जो हमारी है वो कपड़े के साथ पेस्ट हो चुकी है। अब ये भी मैंने तैयार करके रखा हुआ है। तो ये जो है ये शमोज़ के साथ मैंने ज़ीरो की जो बुकरम होती है उसको पेस्ट किया हुआ है। तो इसको हमने तिरछा कटिंग करना है। ये इसकी एक सीधी साइड है ना, और ये भी सीधी है। ये सीधा कपड़ा नहीं लेना, हमने तिरछा लेना है। तो इसको 1 इंच का कटिंग कर लेंगे, 1 इंच या 1.25 इंच का चौड़ा कटिंग कर लेंगे। 1 इंच का कर लें आप, वो सही रहेगा। इस तरह से ये पट्टी कटिंग हो चुकी है हमारी। याद रहे ये हमने आड़ी लेनी है, तिरछी जो होती है ना इस तरह लेनी है, सीधी नहीं लेनी है। ये इस तरह से हमने नीचे 2 इंच की पट्टी रखी है। अब इसको सिलाई लगाना शुरू करते हैं। बिल्कुल बुकरम के साथ साथ सिलाई लगानी है। इसी तरह हम सारी सिलाई एंड तक लगा लेंगे। सिलाई हमने लगा ली है फ्रेंड्स, ये देखें बिल्कुल बुकरम के साथ साथ लगी है। अब इसको हम कट करेंगे। अब हम यहाँ पे इसके हल्के हल्के कट लगाएंगे इस तरह से, इस तरह से। इसको हम सीधा कर लेंगे। अब ये जो हमने तिरछी कटिंग की थी ना, इसके हम किनारे पे सिलाई लगाएंगे। इस तरह से इसके दोनों तरफ सिलाई लगा लेंगे। फ्रेंड्स, इसके दोनों तरफ सिलाई लग चुकी है, ये देखें। अब हम इसको मोड़ लेंगे इस तरह से, ऐसे इसको हम सिलाई लगा लेंगे। इसको हमने 4 के आगे 1 पॉइंट जो है उतनी उतनी कट कर लेनी है इस तरह से।
ये जो हमने, अच्छा फ्रेंड्स ये जो हमने बनाए हैं लूप्स, इनको हम गीला कर लेंगे। और अब ये जो इसकी सिलाई है ना, इसकी तरफ इसको हम ऐसे थोड़ा सा घुमाएंगे इस तरह से, कि सिलाई वाला जो पार्ट है इसको बाहर को रखना है, फिर इसको ऐसे घुमाना है इस तरह से। तो यहाँ पे हम इसको रख के जहाँ पर आपने इसको सेट करना है, थोड़ा सा सिलाई का रख देना है, जैसे मैंने इतना सिलाई के लिए छोड़ा है। तो इसको हम प्रेस करेंगे और साथ साथ गोल करते जाएंगे इस तरह से। ये देखें, बिल्कुल आसानी से ये गोल हो चुका है, हमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ये देखें गोल बन गया है ये। और ये देखें आयरन के साथ इसके ये किनारे भी बन गए हैं, निशान लग चुका है आयरन के साथ, जो हमने इसके नीचे रख के बनाया ना, तो ये दबाव में आ गया है, तो हमें ये भी फील हो रहा है कि हमें कितना सिलाई में देना है। तो ये बाकी सारे भी मैं इसी तरह बना लेती हूँ। ये मैंने सारे बना लिए हैं, अब हम लूप्स को इसके साथ अटैच करना शुरू करेंगे। ये देखिए निशान हमारा लगा हुआ है, तो हमें बस इतना ही इसके अंदर रखना है। अब सर्कल के साथ वैसे ही सिलाई लगेगी। ये दूसरा निशान यहाँ पे जहाँ पे बन रहा है, तो हम इतना ही इसको रखेंगे, बाकी सिलाई के अंदर कर देंगे। इसी तरह हमने सारे आगे से जोड़ लेने हैं। ये सारे लूप्स हमने लगा लिए हैं। अब अगर आप चाहें तो इस पे पैर पैर की सिलाई और लगा लें, तो मैं तो लगाऊंगी पैर पैर की, क्योंकि ये पीछे से इस तरह कवर नहीं है, तो कवर हो जाएंगे, उसके बाद मैं इसको कट कर दूंगी। ये ऑप्शन में है, आप चाहें लगाना तो लगा सकते हैं, वरना कोई ज़रूरी नहीं है। इस तरह से पैर पैर की सिलाई लगाएंगे, उससे हमारे लूप्स एक तो मज़बूत भी हो जाएंगे और दूसरा पीछे से इनकी अच्छी सी पकड़ हो जाएगी। ये डिज़ाइन हमारा बन के रेडी हो चुका है। ये देखें ये स्लीव्स हैं इसकी, ये देखें, और ये दामन आगे पीछे दामन दोनों पे बनाया है, ये पीछे वाला दामन है, और इसके जो चाक हैं उस पर पाइपिंग की हुई है। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक पर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।